का विषय है कि परमपिता परमात्मा से अष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं। उन अष्ट शक्तियों में से आज हम तीसरी शक्ति को देखेंगे। पहली शक्ति है परखने की शक्ति, दूसरी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। परखने में हमें पता लग गया कि सच और झूठ क्या है। हमने निर्णय किया कि हमने सत्य के मार्ग पर चलना है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में आने वाली समस्याओं को सामना करना पड़ता। अब जीवन में दुख तो आएंगे, मुसीबतें तो आएंगी, कष्ट तो आएंगे, रोग तो आएंगे, कार्मिक अकाउंट तो आएंगे। जीवन है तो हमने उनका सामना करने की शक्ति हमें मिलती है सत्य ज्ञान के आधार पर। जितना हमने सत्य ज्ञान लिया उसको हम अप्लाई करने लगते हैं तो हम कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या का बड़ी सहज रीति से सामना कर लेते हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख होता है जब कोई प्रिय किसी का शरीर को छोड़ता है। जब कोई शरीर को छोड़ता है तब दुख होता है। दुख होना माना, दुखी होना माना, परमात्मा कहते ये बाबा का बच्चा नहीं, ये रावण का बच्चा। बाबा का बच्चा दुखी नहीं हो सकता। सारे संसार के मालिक का बच्चा और वो दुखी नहीं। उसने बाप को पहचाना नहीं, बाप से शक्तियों को लिया, सत्य ज्ञान को समझा नहीं। अब सत्य ज्ञान जिसको समझ में आया है वो इस दुख को सहज सामना कर सकता है। इस आत्मा का हमारे साथ इतना हिसाब था, अब उस आत्मा का रोल दूसरी स्टेज पर है तो ये ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी। तो इस ड्रेस को छोड़कर उसने अपना जो दूसरा रोल था वो बजाने के लिए गई है। अब दुखी होने की बात नहीं, अब दुखी होने की बात नहीं है। हर एक चीज, कितना बड़े से बड़ा दुख आए उसको सामना कर, और सामना करना है ज्ञान के आधार से। ड्रामा की ढाल को अपने सामने रखना, जो हुआ अच्छा। ड्रामा में हर बात कल्याणकारी है, इस ढाल को अपने सामने रखना। ड्रामा की ढाल को यूज करना है हर आए हुए दुख को पेश करने के लिए, सामना करने के लिए। अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, चोट नहीं लगे, दुखी नहीं। सहन नहीं करना, सामना करना। इस विषय को विस्तार से अलग वीडियो में लेंगे कि सहन किसे करना है और सामना किसे करना है। पहले हम इंडिविजुअल शक्ति को देखेंगे कि सामना करने की शक्ति परमात्म ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करने से।
प्रयोग करें। कोई दुख दे रहा है, मैंने दिया था, दे रहा है, हिसाब बराबर। जो भी कर्म भोग मेरे सामने आ रहा है, मुझे उसे भोगना नहीं है। कर्म भोग भोगना माना दुखी होना। हाय मेरी किस्मत, यह कर्म कूटना। हमने अपने कर्मों को कूटना नहीं, आए नहीं करना। वेरी गुड, अच्छा हुआ, जल्दी से अकाउंट बराबर। जिस जिसको जो दुख दिया था वो हिसाब बराबर हुआ। हमें हर दुख को फेस करना है, दुखी नहीं, ये याद रखें। ये ज्ञान, ये समझ परमपिता परमात्मा से मिलती है। कोई भी दुख आए, कोई भी कष्ट आए, याद रखो जो मैंने किसी को दिया हुआ था उसी के द्वारा वो मुझे वापस मिल रहा है। उतना ही मिलेगा जितना मैंने दिया है, कम या ज्यादा नहीं। और विस्तार से समझना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, या आपका कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप कर सकते।